वैसे तो हमेशा जवाब देने के लिए रेडी रहती हो तुम, आज अपने लिए स्टैंड ही लिया गया तुमसे। सुलेखा काकी की गलत बातों का जवाब नहीं दिया गया तुमसे। चलो उठो, लड़ो अपने लिए। और लड़कर क्या करूं, ये लड़ाई जीतकर कुछ नहीं हासिल होगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माटी से बंधी डोर के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है वज्जू और जया के बीच बढ़ती हुई गलत फहमियों से। वज्जू को जया से कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिनसे वो काफी ज्यादा आहत हो जाती है। दुख तो इस बात का है कि मुझे लगा आज मैंने कुछ वज्जूगिरी में गड़बड़ी नहीं की तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन सुलेखा काकी ने वजह ढूंढ ही ली मुझे सुनाने के लिए। आज कितना खुश थी, सबने मेरा मस्त हैप्पी बर्थडे मनाया, आपने मेरे लिए मेरे आई का फेवरेट गाना गाया। जया जो हमेशा से वज्जू की हर बातों में साथ देती आई है, इस बार उससे कुछ महत्वपूर्ण बातों को छुपाने की कोशिश करती है। वज्जू को इस बात का एहसास होता है कि जया उससे कुछ छुपा रही है और ये बात उसके दिल में एक गहरी चोट कर जाती है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जानती हूँ जिन्हें मैं अपना मानती हूँ वो भी मुझे अपना मानते हैं। लेकिन सुलेखा काकी ने सच कहा, मैं किस हक से इस घर में रह रही हूँ, वो तो मैं सिर्फ जयू की बड़ी बहन ही ना। वो जया से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जया अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती, जिससे उनके रिश्ते में और भी ज्यादा दूरियां आ जाती हैं। इसी बीच परिवार के अन्य सदस्य भी वज्जू और जया के इन तनाव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस स्थिति को सुधारने के लिए आगे नहीं आता। परिवार के बड़े बुजुर्ग इस बात से चिंतित हैं कि कहीं ये गलत फहमियां इन दोनों के बीच दरार ना पैदा कर दे। एपिसोड के अंत में वज्जू अपने दिल की बात जया से कहने की कोशिश करती है, लेकिन जया के पास इसके लिए समय नहीं होता, जिससे वज्जू और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। क्या ये दूरी दोनों के रिश्ते को कमजोर कर देगी या फिर वो इस मुश्किल घड़ी को पार कर जाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी में कौन से नए नए मोड़ आते हैं। इस एपिसोड ने दर्शकों को वज्जू और जया के रिश्ते में आने वाले तनाव और मुश्किलों से रूबरू करवाया है। आगे की कहानी में क्या नया मोड़ आएगा, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये एपिसोड, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।